क्या डिसाइड हुआ कि आपके टाइम से टीजीटी जेबीटी एनटीटी भर्ती बहुत सारी चीजें सर जो प्रोसेस में नहीं हो पाई है, कब तक हो पाया? नहीं, जहाँ तक तो बैच वाइज रिक्रूटमेंट की बात है, इसके माध्यम से लगभग कोई 2200 हमारे को जो अपॉइंटमेंट्स होनी है, जिसमें अधिकतर हमारे जेबीटी के टीचर्स लगने हैं, जिसमें अधिकतर हमारे टीजीटीज लगने हैं। ये तो मैं समझता हूँ अंतिम स्टेज में, और इसमें भी क्लियर कट, जैसे मैंने आप इससे पहले भी देखा होगा, एक पैरामीटर के अनुसार हम क्या अपॉइंटमेंट्स को करेंगे। इसमें पहला पैरामीटर आपके जो विदाउट टीचर स्कूल्स है, जिनकी संख्या लगभग कोई 350-400 से अधिक है, वहां पर आपके हमारे टीचर्स की नियुक्तियां हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। वहां पर भी हम संख्या देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हजारों की संख्या में आपके 3,500-3,000 के आसपास संख्या बनती है जो हमारे विदाउट टीचर प्लस आपके जो सिंगल टीचर स्कूल्स है, और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसी सोच के साथ जो आपकी वैकेंसीज थी, हमने लगभग कोई 6,000 के आसपास पदों की सेंक्शन हमने ऑनरेबल सीएम साहब की इंटरवेंशन से कैबिनेट से ली थी, जिसके माध्यम से लगभग हमारा प्रथम चरण में हमारे को लगभग कोई 2200 के आसपास बैच वाइज हमारे को जो काउंसलिंग कम्प्लीट हो चुकी है, टीचर्स मिल चुके हैं। मात्र अब नियुक्ति होनी शेष रहेगी, जो विदिन मैं समझता हूँ डे और टू, ये मैं समझता हूँ अंतिम प्रारूप बनाने को कहा जा चुका है, और इसमें क्लियर कट कहा जा चुका है कि हम नियमों के अनुसार इन अपॉइंटमेंट्स को करेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, विदाउट टीचर, जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट 5 से अधिक है वहां पर टीचर मिले, क्योंकि हम मर्जर का भी देख रहे हैं, जहाँ पर संख्या और डिस्टेंस नजदीक है वहां पर नजदीक के हमारे स्कूल में उनका मर्जर हो, और साथ ही साथ लगभग कोई, मैं समझता हूँ जो हमारे सिंगल टीचर स्कूल है उसमें भी हम एक तरह से जो जहाँ पर इनरोलमेंट ज्यादा है, उदाहरण के तौर पे जहाँ पर 40 बच्चे होंगे या फिर आपके दूसरे स्कूल में 15 बच्चे, तो वैधता वहां देंगे जहाँ पर 40 बच्चे, ताकि कम से कम सेकंड टीचर आपका स्कूल में उपलब्ध हो। पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी जो ये बैच वाइज अपॉइंटमेंट्स हो रही है, इनको स्टेशन दिए जाएंगे, और उसके उपरांत जैसे मैंने 6,000 की संख्या बताई थी, 585 हमारे पीजीटी के पद जो हमने कमीशन में लास्ट डेट दिए थे, ये भी मैं समझता हूँ एक दो सब्जेक्ट के आपके, मैं समझता हूँ आपके डॉक्यूमेंटेशन रह चुकी है, शीघ्र ये भी 585 लेक्चरर हमारे को मिलेंगे, और इसमें भी हम इस तरह का नियम बनाएंगे ताकि विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है वहां पर स्टाफ उपलब्ध हो। और उसके उपरांत हमारी जो 2800 के आसपास जो कमीशन के द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी नियुक्तियां होनी है, जो हमने पहले, मैं समझता हूँ यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया था, लेकिन जैसे अब फिर से हमारा ये हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हमीरपुर का हमारा बोर्ड फंक्शनल हो चुका है, इसको वहां पर टेकअप किया जाएगा, क्योंकि कमीशन ने ये कह दिया है कि हमारे पास काफी वर्कलोड है, तो शीघ्र ये प्रोसेस भी हमारा हमीरपुर वाला प्रारंभ होगा, ताकि हमारे को ये जो 6,000 के आसपास पदों की हमने सेंक्शन लास्ट ली थी, ये सभी, मैं समझता हूँ, फील्ड में जाकर हमारे दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे। और इसके उपरांत जो एनटीटी टीचर्स का भी हमने पिछली कैबिनेट में निर्णय लिया था, ये भी मैं समझता हूँ आपने देखा होगा, इसमें जो हमारी एनसीटी की गाइडलाइंस है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके अनुरूप आपकी नियुक्तियां होगी, और इसमें हम प्रायोरिटी देंगे जो 2 साल से हमारे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जिनकी डिग्री होगी उनको उनको प्राथमिकता मिलेगी, और ये शीघ्र ये भी प्रोसेस आपका प्रारंभ होगा। 1 साल वालों को लेंगे, इसमें 1 साल वाले जो अभी अभी 2 साल का ही है, और 1 साल का निर्णय मैं समझता हूँ अभी उस बारे में कोई चर्चा नहीं। तो दूसरा सर, मर्जर की बात की आपने, जी लगभग कितना आंकड़ा कितना होगा? आप जानते ही है कि एक समय था जब हिमाचल प्रदेश में हमारे को दुर्गम क्षेत्रों में आपके प्राथमिक पाठशालाओं की 1.5 किलोमीटर में आपके स्कूल्स खुले थे, ये 80-90 के दशक की बात कर रहा हूँ। उस वक्त समय की आवश्यकता भी थी, सड़कें भी कम थी, आज तो लगभग कोई 41-42 हजार किलोमीटर सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी के अधीन है। आज समय आ चुका है कि हम अपने खुले हुए संस्थानों को सुदृढ़ करें, कंसोलिडेट करें, स्ट्रेंथन करें, और ये भी हाल में ही फाइनेंस कमीशन, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रदेश में आया था, जिस तरह की समस्या हिमाचल प्रदेश में आ रही है, अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की समस्या आ रही है, और उनका भी सुझाव था कि हम, मैं समझता हूँ, मर्जर की ओर जाए, और जहां पर डिस्टेंस कम होंगे, उदाहरण के तौर पर 1.5-2 किलोमीटर के अंतर हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला होगी, तो हम मर्जर का भी, मैं समझता हूँ, प्रस्ताव ला रहे हैं। टोटल तो लगभग कुछ 700-800 के आसपास है, लेकिन प्रथम चरण में हम वही करेंगे जहाँ उदाहरण के तौर पे 1-2 बच्चे हैं और नजदीक में कोई 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आसपास दूसरा विकल्प है, तो इस सोच के साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले वर्ष भी जो 0 एनरोलमेंट के आपके लगभग कुछ 600-700 स्कूल्स थे, जहाँ
टू यानी दो बच्चों से कम जहां पर एनरोलमेंट थे, हमने कुछ स्कूल आपके मर्ज किए थे इसी क्रम पे, ताकि आने वाले समय के लिए हमारा शिक्षा विभाग और बेहतर तरीके से कार्य कर सके, हमारा डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हो, विभाग इस ओर कार्य कर रहा है।